जिस तरह घटनाएं अमेठी में हो रही हैं, सरकार जिस तरह से, खासतौर से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी जिस तरह से अपने पद का सरकार का दुरुपयोग कर रही हैं, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। कल की अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में जो छापेमारी घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कुछ एक अधिकारियों द्वारा ये कृत्य ठीक उस प्रकार है जहां हमारे जनपद अमेठी के तमाम डॉक्टर, पुलिस के आला अफसर से लेकर सिपाही तक, जनपद के तमाम अधिकारी, अगर हम कहें 99% लोग बेहतर काम कर रहे हैं, वहीं स्मृति जी के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने जो कृत्य किया है, जिस तरह से एक मछली किसी साफ पानी के तालाब को पूरा गंदा कर देती है, कुछ इस तरह हुआ है। हालांकि अमेठी के मामले पर जिलाधिकारी ने एसडीएम से जांच कराकर एक लिखित तौर पर सूचनाएं दी है कि वो सूची लेने गए थे। कांग्रेस पार्टी इस बात को अगर मान ले तो उन तमाम अधिकारियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से या अन्य फोरम पर अपने अलग अलग बयान दिए हैं जो मोबाइल के माध्यम पर रिकॉर्डेड है और मेरे पास उपलब्ध है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल करके ऐसे कृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है, लेकिन हर चीज की समय सीमा होती है, बर्दाश्त करने की सीमा होती है। कांग्रेस पार्टी आज इस दुख की घड़ी में किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहती है। आज जरूरत इस बात की है कि सभी लोग मिलकर अमेठी के लोगों की मदद करें, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें, जरूरतमंदों के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी जी से भी अनुरोध करेगी कि आप देश के कपड़ा मंत्रालय की मंत्री हैं, अगर आप चाहती तो पूरे देश को कपड़ा मंत्रालय के बने मास्क पहुंचवा सकती थी, अमेठी के घर घर मास्क पहुंच सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया। हम राजनीति बाद में कर लेंगे, आप अब बंबई की कलाकार नहीं है, भारत सरकार की मंत्री हैं। जिस तरह से छोटे ओछे ट्वीट करती हैं आप, किसी को भांजा बताकर, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरा बताकर जो चोरी करते पकड़ा जाता है, आप ऐसी ओछी हरकतें नहीं कर सकती हैं। आपसे निवेदन है, आप राजनीति बाद में कर लीजिएगा, आज जरूरतमंदों को जरूरत करने की जरूरत है, आज उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी लाख विरोध के बाद जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित तमाम उन साथियों का जो लगातार दिन रात जरूरतमंदों को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, खाद्य सामग्री लगातार जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अमेठी को भेजा था, वो उन जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। इसकी जरूरत भी इसलिए पड़ी, अगर सरकार, हमारी सांसद अगर जरूरतमंदों के साथ खड़ी होती, उनको हर चीज उपलब्ध कराती रहती, मुहैया कराती रहती, शायद जरूरत नहीं पड़ती। आज जरूरत इसलिए पड़ी है कि वो उन चीजों की, उन लोगों की आपूर्तियां नहीं हो पा रही है। अमेठी में लिखित तौर पर प्रदेश सरकार ने माना था लगभग 3,500 छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, वो सब बंद हैं। वहां पर काम करने वाला लेबर कहीं पर अंकित नहीं है, छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हैं जो लाखों की संख्या में हैं, उनको जरूरतें हैं आज। तो कांग्रेस पार्टी उन जरूरतमंदों के साथ खड़ी है जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, लॉकडाउन के बाद उनकी कमाने की शक्ति समाप्त हो गई है, वो खाने की जरूरतें हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी जन जन तक पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेठी जनपद के कई समाजसेवी संगठन हैं, कई समाजसेवी व्यक्ति हैं जो लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। ये कैसा भेदभाव, ये इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि जरूरतमंदों की मदद करने पर भेदभावपूर्ण तरीका अख्तियार किया जा रहा है। अगर हम जिला प्रशासन की बात को मान भी लें, उन्हें सूची चाहिए थी, तो एक जो हेल्दी परंपरा रही है, आप लिखित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष से या किसी जिम्मेदार पदाधिकारी से मांगी जाती तो सूची निश्चित रूप से वहां तक पहुंचती। यह कृत्य निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस मामले को सदन में उठाएगी और स्वयं हमारी समिति में इसका कंप्लेन हुई है। इन प्रकरणों को उन अधिकारियों द्वारा, इसके पीछे उन अधिकारी का हाथ है जिन्होंने अमेठी में कई सारे घोटाले किए हैं, सदन को कई सारे मुद्दों पर गुमराह किया है, उन्हें सदन के पटल पर, समिति के पटल पर तलब किया जाएगा और उनसे जवाब सवाल किया जाएगा। अगर उनके जवाब समुचित नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं समस्त उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उनको याद रहे कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे देश और प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा है, कई सारे वरिष्ठतम अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। सभी से निवेदन करूंगा कानून के दायरे में रहकर काम करें और कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जनपद के उन तमाम डॉक्टरों को, पुलिस के अधिकारियों को,
और जनपद के अन्य अधिकारियों को, राजस्व के अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों को, पंचायत के अधिकारियों को, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सिपाही लगातार दिन रात मेहनत करके दोनों साथ जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी। तो उनसे अपील करूंगा, जरूरतमंदों के साथ राजनीतिक पार्टियां खड़ी रहें, कांग्रेस पार्टी से आज न लड़ें, समय आने पर कांग्रेस पार्टी दो दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अभियान जरूरतमंदों की मदद करने का है। यही हम सबने राहुल गांधी जी से प्रेरणा सीखा है और ये कार्यक्रम किसी के रोके नहीं रुकेगा। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा रही है, अंग्रेजों से लड़े हैं, इनसे भी लड़ेंगे, उनसे भी जीते थे, इनसे भी जीतेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मजबूत इच्छा शक्ति साथ खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।